हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे अपाचे आरटीआर 180 और अपाचे आरटीआर 160 के ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल के रियर ब्रेक पैड्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, रियर ब्रेक पैड चेंज करने के लिए एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, 5 mm की एलन की और एक बिट हैंडल चाहिए। तो गाइस, ब्रेक पैड निकालने से पहले हमें इस पिस्टन को अंदर कर लेना है फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, ताकि न्यू ब्रेक पैड के लिए जगह बन जाए। तो चलिए इस पिस्टन को अंदर करते हैं। तो ब्रेक पैड निकालने के लिए सबसे पहले इस कैप को ओपन कर लेना है, जो कि फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन हो जाएगी। ये देखिए, हमने कैप को ओपन कर लिया है और अब 5 mm की एलन की से इसके अंदर वाले बोल्ट को निकालेंगे। तो चलिए उसे भी निकालते हैं। तो गाइस देखिए, 5 mm की एलन की से इस बोल्ट को ओपन कर दिया है। तो चलिए अब इन दोनों ब्रेक पैड्स को निकालते हैं, जो कि आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, इन दोनों ब्रेक पैड्स को हमने निकाल लिया है और अब इसमें न्यू ब्रेक पैड्स को लगाते हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारे न्यू ब्रेक पैड्स हैं, जो कि हमने TVS के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से खरीदे हैं और जिसका पार्ट नंबर N93222-40 है और इसकी MRP 280 rupees है। तो चलिए इन ब्रेक पैड्स को अपनी बाइक में लगाते हैं। तो गाइस, ब्रेक पैड लगाने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे न्यू ब्रेक पैड्स हैं और ये मेरे ओल्ड ब्रेक पैड्स हैं। देखिए कितने ज़्यादा घिस चुके हैं। और अगर आपने भी अपनी बाइक के ब्रेक पैड चेक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, वरना आपकी डिस्क प्लेट डैमेज हो सकती है। तो चलिए न्यू ब्रेक पैड्स को लगाते हैं। तो गाइस, लेफ्ट साइड का ब्रेक पैड लगाने के लिए आपको इस ब्रेक कैलिपर को लेफ्ट साइड को धकेल लेना है, ताकि इस ब्रेक पैड के लिए जगह बन जाए और उसके बाद आपको ब्रेक पैड को इंसर्ट करना है। तो चलिए ब्रेक पैड को इंसर्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, लेफ्ट साइड वाला ब्रेक पैड लगा दिया है और अब आपको इस लॉक को चेक कर लेना है कि ब्रेक पैड इस लॉक के अंदर फिट हुआ है या नहीं। तो चलिए अब राइट साइड वाला ब्रेक पैड लगाते हैं। तो गाइस देखिए, दोनों ब्रेक पैड्स को लगा दिया है और जैसे हमने लेफ्ट साइड वाले ब्रेक पैड का लॉक लगाया था, ऐसे ही हमें देखकर राइट साइड वाले ब्रेक पैड का लॉक भी लगा लेना है। तो चलिए अब इसके नट को लगाते हैं। और गाइस देखिए, ये बोल्ट भी लगा दिया है और अब इसकी कैप को लगाते हैं।
तो गाइस देखिए इस कैप को भी लगा दिया है और हमारा ब्रेक पैड लगाने का प्रोसेस पूरा हो गया है। तो चलिए एक बार टायर को घुमाकर और ब्रेक लगाकर चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए ब्रेक लगाकर चेक कर लिए हैं और ये अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।